हाँ आप जो बोलेंगे वो मराठी बोलो बा मराठी में बोलो मराठी आज नगर सेवक एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वा विषय ठेवून माझ्या उपस्थितीमध्ये आज आमच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतला. प्रवेश तर खरं 4 दिवसापूर्वीच झाला, पण त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा स्वागत सत्कार हा जनतेने करायचा याकरता मला वाटतं महाराष्ट्राच्या इतिहासातला हा पहिला कार्यक्रम असेल. कोणी नगरसेवक पक्ष बदलतात आणि त्यांचा सत्कार जनता करते असं काही होत नाही. आणि म्हणून या निमित्ताने व्यासपीठ मी आता सर्वांचे नाव घेत नाही, सन्माननीय व्यासपीठ आमचे जिल्हा प्रमुख मृत्युंजय सर्व आमचे नगरसेवक जे सगळे आपण समोर उभे आहात. मला वाटतं मोजण्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा तुम्हाला व्यासपीठावर मोजण्यातली एवढी सगळी मंडळी एकत्रित सोय दिसत असेल. हे चित्र दुर्मिळ होतं, याच्या आधी असं कधी पाहायला मिळालं नाही. बाबा बाबा कधी एकत्र बसलंच नाही. पण आता एक चांगला योग आपल्या मोठ्या शहरातून या प्रवेशाच्या निमित्तानं सर्व गाव एकत्र येऊन एक विकासाचा अध्यास घेऊन या सगळ्या लोकांनी नगरसेवकांनी प्रवेश केला. यांना हिणवलं जात आहे की कोणी पेटी घेतली, कोणी काय घेतलं. आता आम्ही पण 50 लोकांनी उठाव केला. अजून आमच्या नावाची बोंब चालते 50 खोके एकदम ओके, आम्ही काय परवा नाही केली. या लोकांनी मागचे 5 वर्ष नगरपंचायतचे अध्यक्ष आणि आताच 1 वर्ष 6-6 टर्म म्हणजे 30-30 वर्ष जलील खान साहेब आहेत, सलीम बाबा आहेत, बाकी मंडळी आहेत, 30-30 वर्ष निवडून आल्यानंतर देखील आपल्या शहरात ते काही करू शकले नाही. आणि मग शेवटी त्यांना वर्षभरात त्यांनी काम पाहिलं की एक आमदार कसा असतो, एक आमदार काय करू शकतो. ज्या वेळेला मी मोठमोठ्या घोषणा केल्या की मी हे करणार, मी ते करणार, मी इतके कोटी आणणार, मी तितके कोटी आणणार, तर सगळे लोक माझी तिंगल करायचे की आमदारा कोटी कळतात का म्हणून. आणि जेव्हा हे प्रत्यक्षात सुरू झालं, कामाला सुरुवात झाली, आणि मग मंत्री देखील आमदार देखील हे आमच्या जवळच्या लोकांना म्हणतात, अरे तुमचा आमदार हे कस काय जमवतो, हे आम्हाला काय जमलं नाही, ही भाषा याची सुरू होते. 74 वर्षापैकी 60 वर्ष आपण काँग्रेसला सारखं सत्तेमध्ये लढून दिलं, पण केवळ मुस्लिम समाजाला भीती दाखवायची, काँग्रेसला मतं घ्यायची. आणि मुस्लिम समाज मागतो काय, त्याची भूक शादी खाण्याच्या पलीकडे नाहीच आहे. तो कधी आपल्या पोरांच्या हाताला रोजगार मागत नाही, तो कधी आपल्या तरुण पोरांना नोकरी मागत नाही, तो कधी काम धंदा मागत नाही, तो फक्त पाहतो काय तर आमच्या शीख शादीखाना आणि समाजाची सुरक्षा. आणि ते सगळं डोक्यामध्ये भूत घालून घालून आजपर्यंत सगळ्या मुस्लिम समाजाला काँग्रेसने केवळ त्या ठिकाणी मतदानापुरता वापरायचं काम या ठिकाणी केलं. बुलढाण्यामध्ये आता कामं सुरू झाली. जुन्या गावामध्ये मला जुन्या गावातल्या शेरी यांनी चौकातल्या मुस्लिमांनी मला 25 लाखाचा शादीखाना मागितला. 25 लाख आणि 5 लाख एकूण शादीखाना आहे. बोले हो कितना देंगे आप, मला आप बोलिए. बोले कम से कम 50, मला 75 लाख. और पैसा दिया नहीं, काम चालू है, जोर शोर से चालू है. जिन्हें लोगों का हमारा ईदगाह जहां सब हमारे पवित्र रमजान में जब ईद आती है तो सब लोग वहां पर अल्लाह ताला का इबादत करने के लिए वहां पर जाते हैं, तो उसकी लिए भी करीबन 25 लाख रुपए. वहां बारिश है तो वेट नहीं आता, अजान नहीं पढ़ सकते. वहां 25 लाख रुपए देकर सारे ईद के दिन आने वाले सच्चे मुसलमानों का भी वहां पर इबादत करने की व्यवस्था मैंने कर दी. जुड़े गांव की मस्जिद हमारे, जिले गांव की मस्जिद हमारी भारत में, इंडिया में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मक्का मदीना को मुसलमान अपनी जिंदगी में अपने लाइफ में एक ऐसा स्थल मानता है कि वो एक बार अगर वो हज को गया, हज होकर आया, तो एक अल्लाह ताला का बंदा बनकर वो पूरी जिंदगी अपने आगे की बिताता है.
वो मक्का मदीना का गेट पूरे इंडिया के अंदर मेरे जीने को आती मस्जिद को वहां पर हमने का महीना भर पहले चालू कर दिया और आज एक महीने के अंदर मक्का मदीना का गेट बुलडाना की मस्जिद के सामने खड़ा भी हो गया, खड़ा हो गया। बच्चे उर्दू स्कूल पढ़ते हैं, उर्दू स्कूल के बच्चों ने मेरा कार्यक्रम लिया, बोले बोले बच्चे आते हैं सब यहाँ पर, पानी आए तो गटार बन जाता है, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाते। मुझे क्या चाहिए? बोले आप कम से कम हमें 20-25 लाख दीजिए। मैंने एक झटके में 25 लाख दे दिया। वहां पर शादी खाने की डिमांड किया बुलडाना में, मैंने 1 करोड़ का शादी खाना 1 सेकंड में मंजूर किया। 75 साल में भारत के, महाराष्ट्र के, बुलढाणा के, मोता के सब कब्रिस्तान भर गए। अब अगर उसको जनाजा लेके जाना है, उसको अगर दफन करना है, तो नीचे से अलग बॉडी वहां पर सामने ऊपर आ जाती है, जनाजा खत्म हो गई। लेकिन एक सूत्र का अंदर बुलढाणा ऐसा कि जिसने ये बात भी ख्याल नहीं ली, और बुलढाणा के डीपी प्लान में जो डीपी बनता है उसमें 20 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के रिजर्व कर वहां पर करके डीपी प्लान में इसको मंजूरा कर ली। मोतला के इतिहास में पहली बार कब्रिस्तान को पैसा मिला, पहली बार। पहले 40 लाख दिए, बाद में 50 दिए, वो कब्रिस्तान का आदमी बोले आओ चाहिए, मतलब फिक्र मत कराओ, मिल जाएंगे। पहली बार यहां का शादी खाना हमारा बाबा हमेशा बोलता था, भैया शादी खाना चाहिए। बाकी सब लोग भी बोल रहे थे 1 करोड़ का शादी खाना मोतला में मंजूर किया। 1 करोड़ का शादी खाना मंजूर करने के बाद में आज तुम्हारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, आज की तारीख में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, मागा स्वर्गीय, ये सभी समाज के अंदर एक गरीब और एक बड़े लोगों में बड़ी विषमता बनी है। गरीब के बच्चे नगर पालिका के स्कूल में पढ़ रहे, जेएनपी के स्कूल में पढ़ रहे, और बड़े लोगों के बच्चे पोद्दा स्कूल में पढ़ रहे, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ रहे, नर्सरी में पढ़ रहे, KG1 पढ़ रहे, KG2 पढ़ रहे, सरकार में पढ़ रहे, भारत में पढ़ रहे। नतीजा यह है कि नगर पालिका का बच्चा, झीड़पी का बच्चा कभी नौकरी में जा नहीं पाएगा, वो उनकी बराबर कभी कर नहीं पाएगा। हमारे बच्चे पढ़ने के बाद में उनको मजदूरी ही करना है, ना कोई MPSC, ना कोई UPSC, ना कोई तहसीलदार, ना कोई SDO, ना कोई रजिस्टर कलेक्टर, ना कलेक्टर, ना कोई RDC, ना कोई कमिश्नर, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई चीफ सेक्रेटरी। हमारे बच्चों के सामने सिर्फ गरीबी और मजदूरी के सिवा कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन आपका पहला अंदर है महाराष्ट्र में सबसे पहले CBSE पैटर्न स्कूल चलाने के विधानसभा में मांग करने वाला मैं हूं। लेकिन आज के तारीख के आपके मोतला में बोराखेड़ी प्रधानमंत्री ने जो अभी अभियान चलाया था चित्रकला स्पर्धा के अंदर और बाद में शिक्षा के अंदर, वो अभी जो उन्होंने अभियान चलाया मोतला तालुका के 112 गांव के लोगों के लिए बोराखेड़ी में हम केंद्र सरकार की यांत्रिकी स्कूल बना रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे वहां पढ़ने के बाद सीधा विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे। आपके मोतला शहर में 7 करोड़ रुपए की स्कूल बनवाकर वो स्कूल को CBSE पैटर्न लगा के मैथमेटिक और साइंस ज्वाइन करके वो हम सारे बच्चों को नर्सरी से लेके KG1 KG2 ये सारे एजुकेशन देकर CBSE पैटर्न महाराष्ट्र में पहली बार बुलढाणा में और मोतला में मैं आने वाले सत्र से चालू कर रहा हूं। ये नगर जिन अंदर जो होते गए इन लोगों को गटर, नाली, रास्ता इसकी सेवा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन क्या यही हमारे जीवन की यही सारी मूलभूत सुविधा है? ये हो गया कि हमारा विकास हो गया? क्या हम लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? हमारे बच्चे बड़े बनने नहीं चाहिए? ये सारी बातें आज तक किसने सोची नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी। बस हमारे बारे में डर पैदा करना, बाबा साहब के बारे में डर पैदा करना, हर किसी के बारे में डर पैदा करना, और डर पैदा करने के बाद में हम लोगों को धमका कर वोट लेना, इतना ही धंधा इन लोगों ने किया। और याद करो 2 साल पहले कोरोना चालू था, कोरोना में सारी मस्जिदें बंद हुई थी, मस्जिदों में अजान बनती, मंदिरें बनते, सब बनता। लेकिन बुलढाणा में शिवसेना का आमदार होने के बाद सारे जिले के अजाने बंद थी, नमाज मस्जिदों में इबादत बंद थी, लेकिन मेरे अकेले के बुलढाणा शहर में
ये सारी चीजें चालू थी। जब अनिल देशमुख मिनिस्टर ये दिल्ली मुंबई से जब जा रहे थे तो नांद्रा के आमदार ने उनको रोका कि बुलढाणा में परमिशन है, फिर मैं तो कांग्रेस का आमदार हूं, यहां परमिशन क्यों नहीं है। तब संजय गायकवाड़ के यहां चल रहा है तो हमारे यहां भी चलने दो, ये करके मिनिस्टर ने एसपी को बोला। जब किसी का जनाजा उठा है तो चार पांच लोगों के ऊपर कोई जाता नहीं था। हमारे जुनेद के पिताजी बिलाल के भाई बब्बू सेठ गुजर गए थे, मैंने एसपी से रिक्वेस्ट किया, एक बड़ा परिवार है, समाज के लिए काम किया, त्याग किया, कौन के लड़े, जरा इनके लिए थोड़ा कुछ ढीला रखो। जहां पांच लोग अलाउड नहीं थे वहां 5,000 लोग उनके जनाजे में शामिल हो गए थे, 5,000 लोग। आज शादी करना दे रहा क्यों, मोतला बुलाने में दे रहा हूं, मैंने कोठली में दिया 25-30 लाख का, धावंगा वाले का सरपंच बोले बहु हमको भी 25 लाख का दे, बोले 25 लाख में क्या होता है, ठीक है बोले 30 का दे, मैंने 45 का देता हूं। कोठली, राजूर, रोहिणखे, मोताला, तुम्हारा वो माकोड़ी, जितने भी गांव है हर गांव में मैंने 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का शादी खाना दिया। केवल शादी खाना नहीं, तो भारत का पहला ऐसा अंदाज हूं कि जिसने एक ही झटके में 50 बुद्ध विहार भी दिए। और आज मोतला शहर पानी के लिए झूझ रहा है। आप बहुत वाटर पी रहे हो, मैंने भाषण में पीछे बोला था कि आपको स्वच्छ पानी की जरूरत है। आज नगर पंचायत की इतनी औकात नहीं है कि नगर पंचायत वहां पर कुछ फिल्टर प्लांट खड़ा कर सके, वाटर सप्लाई स्कीम ला सके। मैंने 35 करोड़ की स्कीम बनाया, मैं ये नगर सेवक पीछे आज नहीं लगा हूं, मैं कई दिन से बोला कि अरे बाप सामने आइए। आज अगर ये लोग 1 साल पहले निर्णय लेते थे तो ज्यादा बोलते, लेकिन आज के तारीख में तुम्हारे मोतला में मैं एक काम भी सिलक रखता नहीं था, बाकी रखता नहीं था, बड़ी बात नहीं करता हूं, खत्म कर सकता था पूरा। मैं आज आपकी आपने मोतला की सबसे पहले सीमाएं बढ़ाना जरूरी है। तुम्हारी सीमा जब तक बढ़ेगी नहीं, ये गांव का विकास कैसे क्या होगा। तुम्हारी 5 किलोमीटर की सीमा में बढ़ाने वाला हूं, 5 किलोमीटर की सीमा मतलब तुम्हारी खड़बड़ी आएगी, तुम्हारी बोराखेड़ी आएगी, तुम्हारा तिगरा आएगा, तुम्हारा संगत आएगा, तुम्हारी अंतरी आएगी, और बाद में फिर मैं आपके लिए एमआईडीसी लाऊंगा। एमआईडीसी लाने के बाद जब जगह मिलेंगी तो वो एमआईडीसी के अंदर आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएगी, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, और वहां पर हमारे बेरोजगार तरुण वहां पर काम करेंगे। इसलिए मुझे एमआईडीसी के लिए 1965 में एमआईडीसी स्थापना हुई, लेकिन तुम्हारे मोतला में कितनी एकड़ जमीन एमआईडीसी की है, केवल 25 एकड़। बुलढाणा में कितने है, केवल 25 एकड़। खामगांव को 1,250 एकड़ है, मलकापुर को 500 एकड़ है, नांद्रा को 500 एकड़ है। मोतला बुलढाणा के कोई आमदारी कभी सोचा ही नहीं था कि इसके बारे में। आज मैं बुलढाणा की जमीन 1,000 के ऊपर लेके जा रहा हूं और मोतला कम से कम 650 एकड़ के ऊपर, 650 एकड़ के ऊपर 4-5 मीटिंग हो गई, सब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, डीपीआर तैयार हो गया। तुम्हारे तैरणी के पास में, पिंपरी गौड़ी के पास में 250 एकड़ के ऊपर वहां पर बड़ा पार्क, टेक्सटाइल पार्क वहां पर बन रहा है, वहां पर सूत गिरनी बन रही है, वहां पर जिम बन रहा है, और वो माध्यम से ट्रेन वहां तक आएगी मलकापुर से, और उसके बाद में जब एमआईडीसी मोतला में डेवलप होगी तो उसका क्या, उसका आगे का रास्ता भी यहां तक पहुंचेगा। ये सारी योजनाएं मेरे पास में तैयार है। हॉस्पिटल के बारे में भी आप जानते कि यहां का पेशेंट आपको अकोला ले जाना पड़ता है, औरंगाबाद ले जाना पड़ता है। 17 साल राष्ट्रवादी के मंत्री, पालक मंत्री करके बुलढाणा में रहे, कई मंत्री रहे, आरोग्य मंत्री बनने के बाद भी मेडिकल कॉलेज ला नहीं सके। ये तुम्हारे आमदार ने 700 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मंजूर करके लाया। अब कोई पेशेंट हमारा औरंगाबाद जाएगा नहीं, कोई आपको अकोला जाएगा नहीं, कोई नागपुर जाएगा नहीं, सारे लोगों को यहां के यहां सारी सुविधा मिलेगा। हर संभव प्रयास मैं करने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं। क्या बोलते हैं लोग कि ये सारे लोग बिक गए। आज इतनी सारी विकास कर, 35 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम आपकी नगर पंचायत नहीं कर सकती, और जो इनको नाम रख रहे हैं, जो गांधी नगर चौक में एक महीना पहले अधिवेशन में तुम्हारे नगर अध्यक्ष भी प्रवेश के लिए आए थे, आपको मालूम बता रहा हूं, एक महीना पहले एकनाथ शिंदे जी से मिलने के लिए आपके नगर अध्यक्ष भी आए थे, खरे कि नहीं कहना है ना, बाकी भी बहुत सारे मिलकर गए,
बोले थोड़ा रुको जरा ये गाड़ी आगे बढ़ने दो, बाद में करते, ये जरा बढ़ने दो फिर करते हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं इन लोगों से, मेरा चुनाव 2 साल बाकी है, मुझे आपके वोट लेके कुछ इनको मुझे मेरा कुछ फायदा लेना नहीं है। मेरी जान टूट रही कि मैं सारे लोगों के लिए कर रहा हूं तो मुझसे के लिए क्यों ना करो। और यहां मुझे मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, अगर जब तक मुझे मेजोरिटी नहीं मिलती मैं काम कैसे करूंगा। 35 करोड़ की आपकी पानीपुरी योजना है और बाकी 5 करोड़ के तो 2 करोड़ के रस्ते हो गए, गिरते रहे तो ये लोगों को पता चलता नहीं, बोलते ये सब अंदर फेंक रहे। बोले हमारे सरपंच साहब भी पीछे बोले थे, अब उनको अनुभव अलग लोगों में था, अब नहीं बोलते, उनको मालूम है कि ये साला बोलता तो करके दिखाता है। अभी पूरे मोटले शहर की 29 करोड़ रुपए की ऑर्डर मैं ज्यादा से ज्यादा 8 दिन के अंदर मोटला में लाऊंगा, तो ज्यादा 15 दिन के अंदर। एक भी गली, एक भी नाली, ना कोई रास्ता ना कोई गली, हर चौराहे पे, हर तुम्हारे भूखंड पर ओपन जिम, जिम अभी देखा होगा मैंने यहां पर अभ्यासी का दिया, पूरे मोटला तालुके में अभ्यासी दिया, बच्चे पढ़ना चाहिए, वाइल्ड स्कूल दिया, बच्चे मजबूत बनना चाहिए, शादी खाना में दिया, सभी दे रहा हूं। और हाँ, यहां पर हिंदू समाज के लिए भी 1-2 करोड़ का मंगल कार्यालय भी मैं दे रहा हूं। महाराष्ट्र का पहला पत्रकार भवन मैंने बनाया, मैं किससे सुनाता हूं, मैं विधानसभा से जब अधिवेशन करके लास्ट ईयर सारे पत्रकार मिले, बहु बोले मैं सारी 1 महीना में जो जो उनके बता रहा था, बहु बोले हमारी मांग है, बोले 1997 से मांग है, बोले बोले क्या, मैंने पत्रकार भवन, बोले ठीक है बनाता हूं, कितना पैसा चाहिए, बोले मनोज जोशी थे सीएम जब उन्होंने 10 लाख ले दिए थे, बोला आप कितना चाहिए, बोले कम से कम 25 लाख, बोले 25 में बनेगा, तुम्हारे तो इतने पत्रकार हो गए कि बैठ नहीं पाएंगे, जरा बड़ा चढ़ा के बोलो, ठीक है बोले आप 30 पैसे दे दो, मतलब 50 लाख, बोले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बात सुनिए इसलिए, बोले कुछ भी नहीं, फिर बोले आप कैसे क्या दे रहे हैं, हमने बोले सत्यानु से आज तक जितने 6 पारक मंत्री हो गए, 4 आमदार हो गए अलग अलग टाइप के, अलग अलग पक्ष के, इन्होंने बोले हमको ये कागज ला, वो कागज ला, ये डॉक्यूमेंट ला, ये डॉक्यूमेंट ला, हमारे जितना वजन है बोले उतनी हमारी फाइल बन गई, पर पैसा हमको मिला नहीं। ताज्जुब से मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने इन लोगों का पैसा मंजूर करके आया और जब मैंने काम शुरू कर दिया तो उन लोगों को बताया कि आप उद्घाटन रखिए, कल से काम चालू करना है, और 1 महीने में काम कंप्लीट किया। और इसके बाद वो लोग बोले ये चमत्कार कैसे हुआ, बोले हमने कागजों की फाइल बनाई और आपने हमको एक भी कागज मांगा नहीं और काम हो गया। ये शादी खाना अगर उसका भी ऐसे है, हमारे बुढ़े हाफिज बोले कुछ डाकू वाले कुछ नहीं, यह हमारा आदत चलता है खाली, बस सीएम साहब को बोल दे। अब उस दिन ये सारे नगर सेवक बैठे थे ना, 1 महीने से आसिफ का नगर सेवक पड़ गया था और वो घर पे बैठा था ना, मुंबई गया, बुलाने के माजी आमदार लेके गए नागपुर में, यशोमती ठाकुर को मिले, सही ना, मंत्रालय में गए 1.5 लाख रुपए देखिए लेकर कि भाई मिलेगा से, इनको पूछो मेरे ऑफिस में चाय की ऑर्डर मैंने दिया और चाय आने तक 9 मिनट में मेरे टेबल पर तैयार हो गए, 9 मिनट के अंदर। ये पावर है तुम्हारे अंदर का, इधर मंत्री के पीछे घूमो, उधर नागपुर जाओ, सब चीजें बने थे आपको, आप बन जाते 25 साल यही धंधा हुआ। लेकिन आज आप लोगों ने जो निर्णय लिया, गांव के हित के निर्णय लिया, मैं जलील खान जी, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, मैं कभी किसको धोखा देता नहीं। आप जो लोगों ने मेरे साथ खड़े पर में मेरे साथ में आए हो ना, आपको कभी कभी किसी को भी कभी कुछ कमी नहीं आएंगे। और हाँ, ये जो लोग बोलते कि आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो हर्षवर्धन का बाप भी आया ऊपर से या फिर कांग्रेस वाला भी आया, तो जब तक तुम्हारा अंदर संजय जाकर तुम्हारे साथ में, तुम्हारे में से एक भी डिस्क्वालीफाई हो सकता। हाँ, एक बात हो सकती, 14 फरवरी को नगर अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 15 को अविश्वास प्रस्ताव डाल के 1 तारीख के अंदर मैं घर को भेज सकता, इतना पक्का कर सकता हूं। बचा कुचा सारा विषय कर सकता, लेकिन यह करने के लिए हमें सत्ता कि कुर्सी
लोगों के विकास के लिए होना, मैं 28 साल नगर सेवक रहा हूं, मैं अध्यक्ष रहा हूं, मेरी पत्नी हर बार मेरे साथ चुन के 20 साल से हमने जो करके दिखा रहा, आज हम जो कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के लोग ताजुब कर रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है, स्विमिंग टैंक कैसे बन रहा है, नए नए डैम कैसे बन रहे, पर्यटन कैसा बन रहा है, गार्डन कैसे बन रहे, ये सारी चीजें देखकर अध्यक्षिका कैसी बन रही है, अच्छे अच्छे आमदार परेशान है कि ये क्या जादू की गांडी आमदार लेकर आया है कि इतना सारा पैसा इनको मिल रहा है, लाख में बात ही नहीं है। वो भाई जी बोले यार लाख वाली बात ही नहीं है, बोले 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की बात नहीं थी भाई जी, मैंने तुमसे आंकड़े पाहून पाहून मैं आता डोकं फिरा लागलं म्हणे, काही करून जाणार मी पैसे कुठून आणणार ते। इसका एक ही कारण है कि राज्य के जो हमारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है इतना दिलदार आदमी है, यह 24 घंटों में से 18-20 घंटे काम करता है। उनके प्रवेश के बाद में मोबाइल पे इन सब लोगों से बात किया, कहा कि आप फिक्र मत करो, जितना पैसा चाहिए मैं पैसा लाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए और आपके पूरे मतलब मैं बदल डालूंगा, मैं जो भी स्कीम लेके जाता हूं एक मिनट में सही, एक मिनट में, कभी कभी तो अरे टेबल में चढ़ात पे सही, ऐसा भी मुख्यमंत्री देखा है हम लोगों ने। मैं तो बोलता हूं कि आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री बना नहीं, और न जाने हमारे उद्धव साहब ने कहां छुपा के रखा था इनको, आगे नहीं आने देने थे। महाराष्ट्र के उठाव के बाद में महाराष्ट्र के आमदारों पे हल्ले हो गए, मेरे ऊपर हल्ला करने वाला तो कोई सोच भी नहीं सकता बोलना, लेकिन पक्ष छोड़ने के बाद में लोग घर पे आते, गाना देते, लोग नाम रखते, पुतला जलाते, लेकिन आठ लोगों का लोगों ने सम्मान किया, इसका मतलब जो तुम्हारे दिल में था वो इनके पेट में था। गांव का विकास होना चाहिए। अब अभी देखो आप आने वाले कर में मोतला कैसा हम बनाते हैं, तुम्हारा ये मार्केट, तुम्हारी एमआरडीसी, तुम्हारा स्विमिंग टैंक, तुम्हारे खेलने के लिए मैदान, तुम्हारे लिए स्कूल, हर चीज मोतला में बनेंगी, जैसा हमारा बुलढाणा बन रहा है वैसा मोतला बनेगा, और उसके लिए शुरुआत हमने यहां पर कर दी है। बुलढाणा की भी जो हद है 5 किलोमीटर की वो भी मैं बढ़ा रहा हूं, और मोतला की भी हद में 5 किलोमीटर बढ़ा रहा हूं। काम को हमको सोर्स को हमें काम करने का सोर्स मिलना चाहिए, वहां मिलना चाहिए, इसलिए सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा बात आए वैसे करूंगा कि इनके कुछ दो अल्फाज हमारे सभी लोगों के लिए, ये जात पात ये विषय मेरा नहीं, हाँ हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे ने हमें कभी भी जातिवाद सिखाया नहीं। हिंदू तो आज आप रहो, लेकिन हम किसी धर्म का अपमान करते नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ में लड़ते नहीं, हम लड़ते देशद्रोही के खिलाफ में, गद्दार के खिलाफ में, हर धर्म का सम्मान करना, ये तो हमारे राज्य की हमारी शिकवण है। कई बार मैंने आपको भी उदाहरण दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य कारभार में एक सूबेदार ने जब कल्याण को जीता तो कल्याण की बेटी एक मुस्लिम समाज के लीडर को उन्होंने जब वहां पे जीता कर लाए तो शिवाजी महाराज के दरबार में उसको पेश किए, और पेश करने के बाद में सरदार को लगा कि शिवाजी महाराज अपने इनाम देंगे, क्योंकि बाकी राजाओं के जैसा उसका भी एक्सपीरियंस था, लेकिन राजा ने वो औरत के चेहरे को ना देखते हुए पैरों की तरफ उनकी नजर गई और मुंह में से अल्फाज निकल गए, अगर इतनी सुंदर मेरी माता होती तो मैं कितना सुंदर होता। और वो औरत को हमारे धर्म में जैसी प्रथा सम्मान करने की साड़ी चोली देके बाइज्जत बेचारी औरत को उसके घर पर पहुंचा दिया, ये गुण हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के थे। हाँ रोच आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जातिवादी बताए गए, लेकिन ज्यादा दूर की बात नहीं करता मैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इनके सैन्य में करीबन 18 लोग सरदार, उनके वकील काजी हैदर से लेके उनका सेवक मदारी मेहतर जो हर बार उनके रूम में रहता था, 18 लोग वहां पर मुस्लिम समाज के थे, एक पठानों की फौज उनके साथ में थी, बाला साहब ठाकरे को जातिवादी बताया गया, लेकिन 6 दिसंबर में जब बाबरी का ढांचा गिर गया, मुंबई में बड़े खतरनाक दंगे हो गए, और दंगे होने के बाद में 35 लाख मुसलमानों को मुंबई छोड़ना पड़ी, सब जरा आग लग रही थी, आग दम वहां पर निकल गया था, हर कोई अपनी जान बचा के भाग रहा था, ऐसे में एक फैमिली वहां पर 2 बच्चे और एक अपना जुड़वा मर्द बाला साहब ठाकरे के मातोश्री गेट पर खड़े थे, बाला साहब का आने का इंतजार कर रहे थे, और जब बाला साहब की गाड़ी आई तो उन लोगों ने हाथ दिए, बाला साहब रुक गए, क्या है हमको मिलना है, ऑर्डर किए कि इनको भेजो, अंदर जाने के बाद में वो परिवार बैठा और बैठने के बाद में बताइए क्या, तो बेचारी जो माता थी वो बता रही थी कि इस तरह से हमारा घर जलाया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया,
हमें हमारे साथ ये इतना बड़ा अन्याय हुआ, ये सारी चीजें जब वो औरत बाबा साहब को बता रही थी मुस्लिम औरत, तभी उसके जो शोहर थे वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। बाबा साहब को इधर उधर गए कि आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? वो बोले आज जुम्मा है और मेरी अजान का वक्त हो गया है। एक सेकंड में बाबा साहब ने बताया मेरे घर में चलेगी। और वो थापा नाम का उनका पीए था, उसको बोला जा चटाई लेके आ। और बाबा साहब ठाकरे के घर में 6 दिसंबर के दंगे जब चल रहे थे, जब एक मुसलमान परिवार उनके घर में अजान पढ़ रहा था, ये आपको बताया कभी? ये कांग्रेस सर आपको कभी नहीं बताएंगे कि बाबा साहब ठाकरे के घर में भी मुस्लिम ऐसे वातावरण में अजान पढ़ रहा है करके, ये बात हमको कभी नहीं बताई। लेकिन जो बताया जाता है हमको हर बार, वो हमको गलत बताया जाता। मेरे बारे में बताया गया वो भी गलत बताया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ना छत्रपति शिवाजी महाराज कोई धर्म के खिलाफ में थे, ना बाबा साहब ने कभी किसी के खिलाफ में थे, ये सारे लोग एक तत्व से काम कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो कितने सारे उदाहरण है, जब पुणे में शनिवारवाड़ा में शाइस्ते खान को 150 लोग लेकर 1 लाख फौज किसी नर छत्रपति शिवाजी महाराज घुस गए, और घुसने के बाद में वो अंदर घुसे, रात को 12 का टाइम था, सब तरफ वहां पे एक अच्छा कार्यक्रम गांव घर के अंदर चल रहा था, इतने में हल्ला हो गया और गरीम 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 करके अटक हो गया और सभी लोग चिल्लाने लगे, औरतें भागने लगी, उतने में शाइस्ते खान के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज लग गए और वो युद्ध के अंदर शाइस्ते खान की 3 उंगलियां कट गई। उसके बाद आधे घंटे के बाद में सब निकल जाने के बाद में शाइस्ते खान की पत्नी आई और उन्हें कहा कि आओ जी अपनी बड़ी बेटी गायब है, शायद शिवाजी के लोग लेकर गए। शाइस्ते खान ने बताया कि नहीं, शिवाजी के लोग कोई भी औरत चाहे वो मुस्लिम हो या कोई दूसरे समाज की हो उस पर कभी हाथ डालते नहीं। और 15 मिनट के बाद में फिर उनकी बेटी वहां पर वापस आ गई। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बहुत सारे इतिहास में उदाहरण इससे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनको सही ढंग से लोगों के सामने पेश नहीं किया गया, बाबा साहब को सही ढंग से पेश नहीं किया गया, इसलिए सारे लोगों में कांग्रेस ने यह काम करने का नहीं केवल लोगों को डराने का यह धंधा कांग्रेस ने यहां पर किया है। और आज कल उनकी जीत हो गई, आज बड़े वीडियो आ गए नाचने के सबके। और एक माजी आमदार ने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि बुलढाणा में गुंडागर्दी बुलढाणा जिले में बहुत बढ़ गई, दादागिरी बढ़ गई, इसलिए शांत और एक सज्जन आमदार मिल गया। मतलब इससे पहले भी भला मिल गया था, भला ने किसका भला नहीं किया? और ये बुलढाणे के नहीं है तो 5 जिले के आमदार है, इनको हमारे जैसा निधि नहीं रहता, ये केवल टीचर लोगों के काम कर सकते हैं और पदवीधर के, बाकी इन लोगों को 5 कोटी के ऊपर अधिकार रहता नहीं। 5 कोटी में इनको पूरे 5 जिले में चलाना पड़ते और 5000 कोटि में तुम्हारा अकेला बिहड़ने का आमदार है। इसलिए धीरज मेरा दोस्त है, मैं उनको शुभकामना भी दी, लेकिन अगर हम लोग दिल पे लेते थे या उनके उम्मीदवार या उनके लोग सही कांटेक्ट हमारे से रखते थे तो शायद आज चित्र अलग रहता था। मां भावनी के शब्द खा के बोलते हम प्रचार को कहीं नहीं गए, हमको बुलाया इसने, खासदार को बुलाया नहीं, रायमोलकर को बुलाया नहीं, हमारे जिला प्रमुख को बुलाया नहीं, किसको बुलाया नहीं तो 3000 क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एंटी कमेंसी चल गई, 12 साल नगर सेवक रहने के बाद में जो रिएक्शन आती वो उसका परिणाम था, और जो हम लोगों को निग्लेक्ट किया गया वो उसका परिणाम था, अन्यथा उसका जो कोई परिणाम है वो अलग आ सकता था। लेकिन इतना होने के बाद भी जो जीतता है हम लोगों का एक धर्म है कि हमको उसको शुभकामना देनी चाहिए, और मैंने भी उनको शुभकामना दी है। लेकिन हमारे विकास के काम में हमें कोई भी बाधा पहुंच नहीं सकती। इससे पहले जो मंत्री थे हमारे साथ में, मैंने उनकी भी परवाह नहीं किया। ऊपर अभी भाई जी एक वासे में बोले कि आप ऊपर धमकी देते हो क्या? आप सच्ची बताओ, आप लोग सब ये जो डिपार्टमेंट है ना, चाहे पुलिस हो, चाहे तहसील हो, चाहे पंचायत समिति हो, या कलेक्टर हो, आप बताइए अगर आपका कोई काम गिरा तो ये लोग कितना घुमाते आपको? ये प्यार की भाषा समझते क्या? समझते क्या मेरे फोन की भाषा कैसे समझते? अच्छा, हम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना। अगर एक आधी औरत बिचारी डिलीवरी की नहीं है, वो तड़प रही है और डॉक्टर घर पे बैठा है या कोई नर्स के साथ गप्पे मार रहा है, वो बिचारी वहां मर रही है, उसका बच्चा मर रहा है, तो ऐसे के साथ क्या करेंगे हम लोग?
झगड़ा काय को करेंगे, दम देंगे ना, इतना ही काफी है। अगर ये दादागिरी है, ये गुंडेगिरी है, तो मैं करूंगा, एक बार नहीं बार बार करूंगा। लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, आज ठेकेदार बोलते कि हमने जादू की गांडी देखी नहीं, ये जादू की गांडी हमने देखी नहीं। टीएस के लिए अधिकारी 6%, चीफ इंजीनियर 6%, एग्जीक्यूटिव 3%, सारे इनको पगार मिलेगा, अपने अधिकारी हराम खोर सरकार का इतना पैसा खा रहे, फिर इनको क्या पैर से पेश आएंगे? तो फिर थोड़ा बहुत तो अपना स्टाइल तो करना पड़ती है, और उसके ऊपर काम होता भी नहीं। इसलिए आज इन लोगों ने जो निर्णय लिया, मैं आपके लिए दो शब्द बोलूंगा और एक समाज के ऊपर बात करूंगा आखिर में। कि सलीम जलील चाचा, सलीम बाबा, बाबा हवा को खुशबू मुबारक, हवा को खुशबू मुबारक, फिजाए को मौसम मुबारक, दिल को प्यार और मोहब्बत मुबारक, आसमानों को तारे मुबारक, चांद को रोशनी मुबारक, सूरज को किरणें मुबारक, और आप जो लोगों ने हमें प्रवेश लिया, आपको बहुत सारी जिंदगी मुबारक, आपको बहुत सारी जिंदगी मुबारक। ये अल्फाज यहां पर कहता हूं। और जो कांग्रेस वालों ने एक जहर सा हमारे समाज में फैला रखा है कि भगवा हिंदुओं का है, लाल हिंदुओं का है, हरा मुसलमानों का है, जिनको कई लोगों ने सवाल किए, आप बोले हरे का दुश्मन, आप हरे से दुश्मनी करते हो। अरे मेरे मन में किसान आदमी हूं, जब मेरे खेत में हरी फसल आती है तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, तो अगर उसका द्वेष करोगे तो उसको छाटा लेंगे हम, काट सकते हैं क्या कोई? ये तो कुदरत की देन है। और हर किसान, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उसके खेत में जब फसल हरी आती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी आमदनी आने वाली है, मेरे घर में पैसे की क्रांति आने वाली, वो ऐसा सोचता है। लेकिन एक लोगों ने भगवा और हरे के बीच में और नीले के बीच में, अब नीले आसमान के नीचे तो हम रहते ही है, जब सूरज निकलता है तो पृथ्वी को भगवा सल्यूट करके आता है, जब डूबता है तो भी नींद के लिए हमें भगवा सल्यूट देकर जाता है, और सारी जिंदगी में जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो तो पूरा हरा रंग लेकर जाता है। किसी ने खूब लिखा है, मालूम नहीं किसने लिखा है पर क्या खूब लिखा है, नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया, नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, गाय हिंदू हो गए बकरा मुसलमान हो गया, मंदिरों में हिंदू देखे गए मस्जिदों में मुसलमान, मंदिर में हिंदू देखे गए मंदिरों में मुसलमान, शाम को जब मायखाने गया तो जाकर दिखे सब इंसान, शाम को जब जाकर देखे मायखाने में तो दिखे सब इंसान। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखे भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, ये पेड़, ये शाखे, ये भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे देखकर हैरान हो गए, न जाने कब हिंदू नरियल हिंदू का और खजूर मुसलमान का हो गया, न जाने कब नरियल हिंदू का और खजूर मुसलमान का हो गया। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ युवाओं को जानते हैं, वो सिर्फ युवाओं को जानते हैं। अंदाज जमाने का तो खलता ही, अंदाज जमाने को तो खलता ही कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में जिंदा रहना है, मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में जिंदा रहना है। लाल और हरे में मत बांटो धर्म को, लाल में लाल और हरे में मत बांटो मेरे धर्म को, अपने छत पे हमारे देश का तिरंगा लहराने दो, हमारे छत पे देश का तिरंगा लहराने दो। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुस्लिम का है और लाल भगवा हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी सब्जियां मुस्लिमों की हो जाएगी और खेत खलिहान और जंगल ये भी मुस्लिमों के हो जाएंगे, और हिंदुओं के हिस्से पे आएगा टमाटर, गाजर और चचिंदर इतना ही बचाएगा। अब ये समझ में आ रहा है,
अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेबल किस चीज से आएगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेबल किस चीज से मिल आ रहा है, ये तो बेचारा ऊपर वास से मुसलमान और अंदर से हिंदू हो जाएगा, काटने के बाद तो दर्द हिंदू का भी होगा और काटने के बाद तो दर्द मुसलमानों का भी होगा। इसलिए ये रंगों का बंटवारा हमें विचारों से हमें बदलना चाहिए और आने वाले कल आप सारी जितने भी मोतवा के सब हमारे लोग हैं, आप इन सब लोगों के पीछे खड़े रहो मोतवा को बदलने की। इस सभा में मैं इन लोगों की तरफ से गारंटी लूंगा कि ये मोतवा शहर को बदलना, मोतवा शहर नहीं, मैं तो शहर के बारे में बात किया, तालुके के बारे में बताऊंगा तो आपके दिमाग उड़ जाएंगे मैं क्या क्या कर रहा हूं करके। इतनी क्रांति कोई आंदा नहीं कर सकता, ऐसी क्रांति कर रहा हूं, लेकिन मैं आने वाले विषय में करूंगा क्योंकि अभी मेरी बुलढाणा में सभा चालू हो रही है, वहां भी लोग बहुत सारे जमा है। इसलिए मैं आप समय हमारे आठ नगर सेवक, हमारे बाकी नगर सेवक जो हमारे उम्मीदवार थे, जो पक्ष के लोग हैं, आप इन सब लोगों का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ और यहाँ पर मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।